और डांडिया खाटों के लिए निकल पड़ा। डांडिया बना पहुंच गयो दरबार शाम के बोलने लागो संदेशो। डांडिया खाटों पहुंचा, दुनिया वालों से बाबा के मंदिर का ठिकाना पूछा, बाबा के मंदिर में पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ने लगा, बाबा के सामने पहुंचा, बाबा को नहीं देखा, पहले झोले में हाथ डाला, तालियां बजाना, चिट्ठी की ताली, और जैसे ही बाबा की तरफ देखने लगा चिट्ठी हाथ से छूट गई, डाकिया थर थर कांपने लगा, चरणों में गिर गया। बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ न रहो अंदेशो। बोलो बोलो। बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ न रहो अंदेशो। डांडिया भूल भूल कर रोने लगा। कहा बाबा मेरी 40 साल की नौकरी, रिटायर होने में 2-4 महीने बाकी, इन 40 सालों में साइकिल का 2 पहिया मेरी जिंदगी बनी, लोगों की चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचाता, संदेशा सुनाता, लेकिन मेरा संदेशा आज तक किसी ने नहीं सुना। आज पहली बार भला हो उस सेठ का जिसने तीनों लोगों के नाथ के चरणों में आकर मुझे संदेशा सुनाने के लिए कहा। मैं आपके दरबार से वापस नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दरबार में जो भोग लगे उसका एक निवाला दे देना, आपके चरणों में पड़ा पड़ा जिंदगी बिता दूं, आपका दरबार छोड़कर नहीं जाना चाहता। बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। डाकिया को लगा कि कोई आवाज आएगी, बाबा कह रहे हैं कि अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया, अब तुझे अपने दरबार से दूर नहीं करूंगा, लेकिन तू तो इधर से उधर संदेशा पहुंचाता है, जिस शेर ने तुझे चिट्ठी देकर भेजी उसका जवाब सुना कर आ जा, क्योंकि अगर उसकी चिट्ठी का जवाब नहीं गया तो मर जाएगा, बस जवाब सुना कर आ जा। और बाबा ने क्या संदेशा दिया, क्या कहा डाकिया से, तालियां बजा। डाकिया जा सेवक संदेश न तरसे, सेवक संदेश न तरसे, सेवकिया राह तेरी निरखे। डाकिया जा रे, देखो डाकिया निकल पड़ा है, क्या पता वो चिट्ठी आपके नाम पर हो, दोनों हाथों को उठा लेना, दोनों हाथों को, और जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे। Thank you.
चिट्ठी इसको दूं और कब बाबा के चरणों में सेवा करने के लिए आ जाऊं। उसने आधी रात नहीं देखी, आधी रात को डाकिया सेठ के घर के बाहर पहुंच गया। सेठ गहरी नींद में सोया, उस दिन सेठ के घर में कोई भी नहीं था। तालियां बजाएं। रात को 2 बजे डाकिया ने घंटी बजाई, सेठ की नींद खुली। उसने सोचा आधी रात को कौन आया है। अचानक उसे याद आया, अरे मेरे बाबा का संदेश आया है, डाकू आया है, सेठ उड़ना चाहता, लेकिन उठ नहीं पाया। किसी तरह कसम कस करते हो, घसीटते घसीटते वो व्हील चेयर तक आया। व्हील चेयर पर बैठ कर धक्का देते देते मेन गेट तक आया। बाहर से डाकिया घंटी पर घंटी बजा रहा था और इधर सेठ दरवाजे पर पहुंचकर हैंडल पर हाथ लगाया और उसको जोर से दबाने की कोशिश की। लेकिन आज इतनी खुशी हो गई कि सेठ के शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। हैंडल नहीं खुल रहा, दरवाजा नहीं खुल रहा, बाहर डाकिया घंटी बजा रहा, अंदर सेठ दरवाजा पीट रहा। बाहर भी आग लगी थी, अंदर भी आग लगी थी। बाहर चिट्ठी लेकर बाबा से मिलने की आस लगी थी और अंदर बाबा का संदेश सुनने की आग लगी। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी। जब किसी भी तरह दरवाजा नहीं खुला, सेठ ने हैंडल पर एक बार जोरदार दबाव दिया और एक जोरदार जयकार लगाई, बोल हारे के सहारे की। और अचानक करिश्मा हुआ, सेठ अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बोल भाटू नरेश की। दरवाजा खुल गया, सेठ दौड़ कर गया बाहर, डाकिया के चरणों में गिर गया। डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। सेठ ने डाकिया से कहा, डाकिया मेरे बाबा ने क्या कहा। डाकिया ने झोले में से चिट्ठी निकाली, सेठ के हाथ में थमाने लगा। सेठ ने कहा, नहीं अब खुश नसीब हो जिसको बाबा ने काम सौंपा, आप ही मुझे बाबा का संदेश पढ़कर सुना दो। और डाकिया बाबा का संदेश पढ़कर सुनाने लगा। कह दीजिए तू जाए से वक्त में तेरो बुलाओ आसी। कह दीजिए तू जाए से वक्त में तेरो बुलाओ आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कहीं किया।
राम प्यारे भी आइए प्रेमियों, एक भजन मेरी तरफ से और उसके बाद महाराज जी के दरबार में विराजमान है।